नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश संग एक को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी है। आपको बता दें कि यूपी में बदमाशों को नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में लगातार बदमाशों और पुलिस के बीच हो रही मुठभेड़ से जयराम की दुनिया में सनसनी फैल गई है और इसे बढ़ते एनकाउंटर की कड़ी में गुरुवार की रात वाराणसी में क्राइम ब्रांच और सारनाथ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में सिंहपुर के पास दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों की गोली से क्राइम ब्रांच के सिपाही रमेश तिवारी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए जब फायरिंग की गई तो चौक थाना का 25,000 का इनामी सलमारपुर उर्फ अन्ना और उसका एक साथी राहुल यादव भी गिरफ्तार हो गया। इस दौरान मुठभेड़ में सलमान को कमर के नीचे गोली लगी जबकि सिपाही को हाथ में। फिलहाल दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के इस गुडवर्क में एक पिस्टल, बाइक और फोन बरामद हुआ है जबकि सलमान पर पार्षद पर फायरिंग सहित रंगदारी अन्य अपराध के एक दर्जन ज्यादा मुकदमे कायम है। अंधेरे में कॉम्बिंग के दौरान खड़ी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के सिंहपुर में मुखबिर की सूचना पर एक मुठभेड़ को अंजाम देकर खड़ी है। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि सारनाथ के सिंहपुर के रिंग रोड के करीब किसी बड़ी घटना को अंजाम देने दो बाइक सवार बाइक से जा रहे हैं। सूचना पर मौके पर अंधेरे में ही पल्सर गाड़ी से दो लोगों को आते देखा, उन्हें रुकने का इशारा किया तो लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसमें एक सिपाही घायल हो गया और जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी चौक थाना का इनामी बदमाश अन्ना को पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया जबकि करीब कवि चौरा पर अन्य अपराधी राहुल यादव को पकड़ा जा सका। इन दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और कांस्टेबल का इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं घायल हुए इनामी बदमाश अन्ना उर्फ सलमान को दीनदयाल अस्पताल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि सलमान पर दाल मंदी के पार्षद विक्की खान पर जानलेवा हमला, रंगदारी अपहरण जैसे एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बड़े लंबे समय से इसकी तलाश क्राइम ब्रांच को थी और आज बड़ी सफलता हासिल हुई। आप देख रहे हैं वाराणसी ब्यूरो की रिपोर्ट। जी सर, क्या घटना हुई है यहाँ पर? ये आज क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। ये इसके बारे में सूचना मिली थी कि ये कुछ घटना कारित करने के लिए इस एरिया में आ रहे हैं तो उसके बाद इनके लिए घेराबंदी की गई। घेराबंदी में बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया जिसमें एक कांस्टेबल रमेश तिवारी के हाथ में गोली लगी है और जवाबी फायर में पुलिस ने जब किया तो एक बदमाश जो है घायल हुआ है। इसका आइडेंटिफिकेशन सलमान उर्फ अन्ना के रूप में हुआ है और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम जनपद से था। इसके ऊपर दर्जन से अधिक विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमे हैं और एक्सट्रॉशन के संबंध में भी इसके खिलाफ जो है मुकदमे पंजीकृत है। दूसरा बदमाश राहुल यादव को पुलिस ने जो है कॉम्बिंग के दरमियान गिरफ्तार किया और इसको जो घायल बदमाश है उसको हॉस्पिटल में भेजा गया है और कांस्टेबल भी जो घायल है उसका भी उपचार चल रहा है। सर, क्या कुछ बरामदगी हुई है इनके पास? किस तरह से आर्म्स वगैरह ये यूज़ कर रहे हैं अभी? इनके पास से एक पिस्टल अभी तक बरामद हुआ है, एक बाइक बरामद हुई है। बाइक के बारे में हम पता कर रहे हैं कि ये कोई चोरी या लूट की है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है और एक मोबाइल फ़ोन भी टैब भी बरामद। किस तरह के हाल फिलहाल के अपराध में ये लिप्त थे जैसा कि बताया जा रहा है? उससे दो मुकदमों में वांछित चल रहे थे चौक थाने के 395 और 307 धारा के और इसका एक आपराधिक इतिहास है। उसमें ये एक्सट्रॉशन की भी इसकी शिकायत जो है प्राप्त हो रही थी। तो क्या क्राइम ब्रांच इन्हें रोकने की कोशिश किया था जब सूचना मिली? जब क्राइम ब्रांच ने इनको घेराबंदी करके रोकने की कोशिश की तो इनके द्वारा फायर किया गया, जवाबी फायर नहीं किया। अभी आपके सिपाही की क्या हालत है? अभी कंडीशन ठीक है, उसका उपचार चल रहा है और जानकारी आपको बाद में। ठीक, थैंक यू।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।